गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मंडी की शिवरात्रि की जलेब। ये देखिए कैसे मंडी की शिवरात्रि में जलेब वगैरह निकलती है। तो शेयर की है आपके साथ ये वीडियो क्लिप, तो एंजॉय कीजिए। आज मैं और बॉबी पालसरा गए थे बाइक की सर्विस करवाने, और रास्ते में करवा रहे हैं इसको, बॉबी की बाइक को वॉश वगैरह। एक्चुअली हम सर्विस करवाने गए थे सोनी ऑटोमोबाइल्स जाहू, नियर पेट्रोल पंप के पास है वो। तो मेरी बाइक में तो बहुत सारी इंजन का काम बताया उन्होंने, तो मैंने वहाँ पे खड़ी कर लिया बाइक। लेकिन बॉबी की बाइक का कुछ काम था, वो करवा के वापस जा रहे हैं घर की ओर। ये देखिए अभी हम सरकाघाट पहुँच गए हैं, और रास्ते में हमें हिमाचल सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए चला हुआ था। तो हम थोड़ी देर वहाँ रुके, वहाँ पे देखा किस तरह का प्रोग्राम था, तो आप भी देखिए। और अरे बेटा, आप तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, आप मधुमक्खी पालक हो क्या? हाँ जी बाबा जी। अच्छा, तो क्या आप क्यों मधुमक्खी पालना छोड़ रहे हो, क्या कारण है? तो बाबा जी, तो कुछ फायदा लग रहा है और मतलब कुछ आ रहा नहीं है, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर जाके काम करा देते। अच्छा, तो बेटा आप ऐसा कीजिए, देखो सबसे पहले तो हिमाचल सरकार जो है ऐसे ऐसे इनकी जो ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग के लिए जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो निर्धारित की है, तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में बेटा प्रशिक्षण लीजिए। हाँ जी बाबा। उसमें क्या होगा कि उसमें जैसे आप साल के एक बार जो है वो शहद निकालते हो, जब आप इसकी पूर्ण रूप से इसका प्रशिक्षण लोगे, इसकी ट्रेनिंग करोगे, तो उसमें जो है आप साल के दो या तीन बार जो है वो शहद जो है वो ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि शहद आजकल जो है बहुत महंगा है।
घी से, देसी घी से ज़्यादा शहद की जो है उपयोगिता है और तरह तरह की बीमारियों में काम आता है, क्योंकि आप तो बेटा बहुत महान काम कर रहे हो। जैसे हम खेती बीजते हैं तो उसमें क्या होता है, जब तक वो भमरे या उसमें जो आपके फूलों पे नहीं बैठेंगे, जैसे आपने गेहूँ बीज दी या कोई किसी प्रकार के कोई वो है, तो उसमें जो तब तक वो बीज तैयार नहीं होता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर आप ऐसा कीजिए सबसे पहले प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण लेने के बाद फिर जो है आप मधुमक्खी पालना जो है वो शुरू कीजिए, आपके बहुत अच्छा जो है आपके इनकम के वो साधन बने रहेंगे। ठीक है बाबा, इस समय आज